पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शादी के हॉल पर छापेमारी कर रहे हैं, जहां कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस वीडियो में जिलाधिकारी शैलेश यादव काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और हाल में मौजूद पुलिसकर्मियों को डांट लगा रहे हैं। हालांकि वीडियो के वायरल होने पर मुख्यमंत्री की दखलंदाजी के बाद डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो में जिलाधिकारी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वो दूल्हा और दुल्हन के समेत पूरी भीड़ को हॉल से बाहर निकाले और सभी लोगों को गिरफ्तार करने की भी बात कही। डीएम शैलेश यादव ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ नाइट कर्फ्यू और महामारी आपदा कानून के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। यही नहीं, डीएम यादव ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि वो प्रशासन को सहयोग नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जिलाधिकारी के रवैये के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए। यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए जिलाधिकारी के रवैये की निंदा की और कहा कि प्रशासन को सिर्फ आम लोगों की दिखती है कार्रवाई के लिए, नेता नहीं। इधर मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी रुकवाने के लिए माफ़ी मांग ली और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से घटना को लेकर रिपोर्ट तलब करने को कहा है। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? अरे मेरा मास्क बाहर बोलो, मारो मारो पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? बाहर निकलिए। कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो वरना तुम ही जाओगे उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? तुम ही जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी, दिस इज माय कमांड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, काउंट। यू पीपल हैव फॉरगॉटन योर ब्लडी पुलिस ट्रेनिंग।